पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देश व दुनिया तक पहुंचाने के लिए निकली हरियाणा की रेवाड़ी की 22 वर्षीय बेटी सुनीता चौकन ने साइकिल द्वारा कन्याकुमारी से खरडुंगला तक 5000 किलोमीटर का सफर मात्र 45 दिनों में पूरा करके न केवल अपने परिवार बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि सुनीता प्रदेश की वह पहली बेटी है जिसने हिमालय की सरजमी तक अपने बुलंद हौसलों की एक अलग पहचान बनाई है। रेवाड़ी पहुंचने के बाद बीजेपी प्रदेश व्यवसायिक प्रकोष्ठ कार्यालय में सुनीता का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा था जब वो 4-5-6 ट्रक एक साथ आते हैं, वो जब दो ट्रक पैरेलल चलते हैं तो साइकिल को जगह ही नहीं देते हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि साइकिल की तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, साइकिल को देखता ही नहीं, क्योंकि साइकिल जा रही है, मोटरसाइकिल आ रही है तो उसको भी वही जगह चाहिए, पैदल आने वालों को भी वही जगह चाहिए, और साइकिल कहाँ जाए, मैं सर पे तो उठा के नहीं चल सकती हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया, साइकिल चला के एक तो इतनी एनर्जी लगा रही, जो कोई गाड़ी सामने से निकलती फुर करके निकलती, मैं से देखती अरे वो तो 2 किलोमीटर आगे निकल गई, मुझे तो वहाँ तक जाने में भी 5-10 मिनट लग सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आई थी, पर हाँ मुझे ये था कि मैं जिस चीज़ के लिए जिस कॉज के लिए कर रही हूँ वो अच्छा कॉज है और मुझे वो करना है। एक बार मैंने पेडल में पैर रख दिया तो जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ से पहले रुकती नहीं थी, मुझे था कि बस पहुँचना है, मुझे कैसे भी करके रात हो दिन हो भीड़ हो ट्रैफिक हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे जहाँ से निकलना है जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचती हूँ। और बीच बीच में जहाँ मुझे स्कूल नज़र आते थे लड़कियों के स्कूल गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ पे मैं जाके उनको मोटिवेट करती थी। बहुत सारे स्कूल हुए, बहुत सारे स्टेट्स में स्कूल जो भी मुझे नज़र आए, क्योंकि मैं दिन में ट्रैवल करती थी तो ट्रिप में बहुत सारे स्कूल्स मिले, उनमें जाके मैंने लड़कियों को मोटिवेट किया और बहुत खुश हुए वो लोग। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।